दूसरी खबर की ओर बढ़ लेते हैं, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना के संक्रमण की। 294 संक्रमित पाए गए हैं 12 जिलों में, जहां देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 144 मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 1900 के पार पहुंच गई है। वहीं 212 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमण दर 12% से अधिक पहुंचा है। शनिवार को 2078 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। नैनीताल में 56, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 19 मरीज, हरिद्वार में 16, अल्मोड़ा में 15 मरीज मिले हैं। देखिए, अब कोरोना देहरादून में यानी उत्तराखंड में पैर पसार रहा है और किस तरह से संक्रमण का जो आंकड़ा है वो दर पदर बढ़ता जा रहा है। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, हमने देखा कोरोना काल में किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और उसके बाद से वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन ने कितना हमें बाकी लहरों में बचाया ये सभी जानते हैं, लेकिन अब दोबारा से कोरोना पैर पसार रहा है। 212 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 1900 के पार मरीज जो है वो एक्टिव हैं। ये संख्या जब शुरुआती दौर में पहली और दूसरी लहर में देखा था, इसी तरह से ये जो आंकड़े हैं वो बड़े थे, और फिर किस तरह से संक्रमण दर बढ़ती चली गई, लेकिन फिलहाल उतना विकराल रूप नहीं है। फिर भी 278 सैंपल की जांच होती है। 56 नैनीताल से, पौड़ी रुद्रप्रयाग से 19 मरीज मिलते हैं। 12 जिलों में 294 अभी भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना लगातार जो कहर है वो बढ़ पा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड टूरिस्ट क्षेत्र है और यहाँ पे बारिश के बाहर के जो टूरिस्ट है वो आते हैं घूमने के लिए। अगर बात करें हरिद्वार की, अगर बात करें मसूरी की, अगर बात करें धनौटी, अगर बात करें नैनीताल की, अगर बात करें तो यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो कोरोना की गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, अगर बात करें मास्क की, अगर बात करें तो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार जो आंकड़ा है कोरोना का वो उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, चला जा रहा है। देहरादून जैसे जिले में 144 केस जैसे आना बहुत गंभीर बात है। स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है कि लोग एक दूसरे से मिले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और लगातार और हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस को लेकर पहले जो नियम कायदे थे वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना है तो गंभीर, लेकिन उसको पालन करने के लिए आप स्वेच्छुक हैं कि आप कितना पालन करना चाहते हैं उन गाइडलाइंस का, कितना नहीं। तो अब आपकी जिम्मेदारी, यानी हम दर्शकों को बता दें कि अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जान को कितना बचाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को कितना बचाना चाहते हैं। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अभी भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोग अभी अवेयर नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल, तो जागरूकता की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनुज जानकारी देने के लिए। जागरूकता की जरूरत है। आगे अनुज हमारे साथ अभी बने रहेंगे, मैं लौटूंगी अनुज आपके पास।